बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अस्करिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 17 ऑफ चैप्टर 1, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप टू एलिमेंट्स। Previously, in the previous lecture number 16, we have discussed about the group 1 elements, and now we will discuss about the group 2 elements, their physical properties, their atomic and physical properties, their reactions, and so on. Group 2 elements. सबसे पहले तो बच्चों हमारे लिए जानना जरूरी है कि group 2 elements कौन से हैं। तो group 2 elements को हम कहते हैं alkaline earth metal। और ग्रुप टू एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है कि इनमें से ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी इनका ओरिजिन जो है वो अर्थ क्रस्ट है, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है जी। और ये अल्कली मेटल्स के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A एलिमेंट्स, और उसके बाद है ग्रुप 2A एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स हैं बच्चों ब्रिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम हैविंग एटॉमिक नंबर 20, स्ट्रॉन्शियम 38, बेरियम 56 एंड रेडियम 88। आप अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A के एलिमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब ये एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? इनमें है एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इनका ट्रेंड ग्रुप में डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो जब हम एटॉमिक रेडियस क्या है, पीछे कई दफ़ा जो है वो आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताई जा चुकी है, पीरियड 3 में भी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में भी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आती होगी। तो बच्चों डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इनक्रीज होता है, ये ना सिर्फ सेकेंड ग्रुप के लिए बाकी बल्कि हमारे पीरियोडिक टेबल के तमाम ग्रुप्स के लिए ये ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप हर ग्रुप में, 1A में, 2A में, 3A में, 7A में, 8A में, हर जगह पर जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्रिलियम से बेरियम की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब इसके इंक्रीज होने के वही सेम रीजन है बच्चों जो आप ग्रुप 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आप बेशक अपने सामने ग्रुप 2 खोल लें, ग्रुप 2 में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ब्रिलियम से रेडियम की तरफ जाते हुए आप देखते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन के लिए हमें नंबर ऑफ शेल्स चाहिए होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम ब्रिलियम टू बेरियम, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम का ताल्लुक जो है वो रेडियाई से ही है, तो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि वैसे तो डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ ग्रुप 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस अगर डिस्कस किया जाए बच्चों ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, तो हम ये देखते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जो रेडियाई है आयनिक भी और एटॉमिक भी, वो दोनों के दोनों कम है। अब ये क्यों कम है? ये इसलिए कम है क्योंकि लेफ्ट टू राइट की तरफ आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल्स सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर
बढ़ जाता है और इस तरह से वो फोर्सफुली वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियस कम हो जाता है ग्रुप वन से। इसी वजह से, सेम रीज़न की वजह से, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो ज़रा सख्त भी होते हैं, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स के मुकाबले में। जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप सब जानते हैं, अब उसकी डेफिनेशन बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या चले देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल में से मौजूद पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है, इट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई डॉट कैपिटल ई और कैपिटल आई डॉट कैपिटल पी। ठीक है जी, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें तो बेटे इसका ट्रेंड भी इसी तरह से ये है कि तमाम ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। तो यहाँ पर भी ग्रुप 2A एलिमेंट्स में भी डाउन द ग्रुप बेरियम से बेरियम की तरफ हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है। अब इसके रीजंस क्या हैं? तो इसके रीजंस ये हैं बच्चों के, डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। किन रीजंस की वजह से? ये अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि हमारा एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है, जबकि आप सबको पता है कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप कम होता है या डिक्रीज होता है। तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो जाता है और इस तरह से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम और सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी लाजमी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड ग्रुप है ना बच्चों, तो सेकेंड ग्रुप के में वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है और ये दो इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो एम प्लस वन बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो एम प्लस टू बनाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इट विल फॉर्म एम जी प्लस आइन, और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो इट विल फॉर्म एम जी प्लस टू आइन। तो बच्चों जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। उसका रीज़न ये है कि बच्चों जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आप न्यूट्रल एटम में से निकालते हैं और उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो आप m में से नहीं निकालते, वो आप निकालते हैं m पॉजिटिव में से, यानी अब आपके एलिमेंट पर प्लस चार्ज आ गया, यानी उसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के मुकाबले में इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया या हैवी हो गया। तो अब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाने की वजह से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज फेयरली हाई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है बच्चों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? आप सबको पहले भी बताया है, ग्रुप वन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है, पीरियड में भी बताई है। डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये किसी भी न्यूक्लियस की एबिलिटी है कि वो वैलेंस शेल से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या डिक्रीज होती है, और ये हर ग्रुप में होता है, सिर्फ ग्रुप 1A में नहीं, 1A से लेकर
सेवेंथ ए तक सब जगह यही होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है और लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ती है, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी अल्कली मेटल्स की तरह जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो खासा कम है, ठीक है। जैसे अगर आप हैलोजन वगैरह के बारे के मुकाबले में या ग्रुप फाइव या सिक्स या फोर के मुकाबले में देखें तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कम है। बहरहाल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हर एलिमेंट की होती है, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो अब यहाँ पर डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रिलियम से बेरियम की तरफ बच्चों कम हो रही है। रीज़न क्या है? वही सेम रीज़न, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो टूवर्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रही है। एज अ रिजल्ट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ई एन कम होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आपको बताया गया है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द टू एलिमेंट्स और अमंग द टू एटम्स, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली। हम ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी दो एटम्स को या दो एलिमेंट्स को तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये फिर मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से ये है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, सिवाय नोबल गैसेज और हैलोजन्स के, ठीक है। उनके इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होते हैं वो जब हम ग्रुप सेवन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी जितने आपके ग्रुप्स हैं सातवें और आठवें, सेवन्थ और एट्थ को छोड़कर, बाकी सब में आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होता है। अब जबकि लेफ्ट टू राइट की तरफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब बच्चों डाउन द ग्रुप क्यों कम होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? इसलिए कि साइज बड़ा होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप टू के हैं डाउन द ग्रुप तो वो कम हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड ए ग्रुप के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप वन ए के, ठीक है जी। इसलिए कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रुप वन के अंदर ओनली वन इलेक्ट्रॉन है तो इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म वन बॉन्ड, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक बॉन्ड तोड़ना होता है, जबकि सेकेंड ए ग्रुप में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म टू बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको दो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा सेकेंड ए ग्रुप में आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लिहाजा सेकेंड ए ग्रुप के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम ये साथ साथ जो है वो ग्रुप वन से इसका कंपैरिजन भी देखते जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप इसका हर फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड भी देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एंड हो गई हैं, ठीक है। अगर आप टेबल 13.6 मैंने इधर डिस्कस नहीं किया है कि लेक्चर काफ़ी आपका लेंथी हो रहा था, आप टेबल 13.6 देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट टू राइट की तरफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। रेडियस भी आपके पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस कम हो रहा है, आयनिक रेडियस जो है वो भी आपका कम हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बिहेवियर है तो वो एलिमेंट्स की बिहेवियर की बेस पर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो वो भी डाउन द ग्रुप आपकी कम हो रही है, कहीं पर कॉन्स्टेंट है जैसे पहले 1.5 है, फिर 1.2 है, 1.0, 1.0 और फिर 0.9.9, ठीक है। तो इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर ट्रेंड जो है वो उसमें नहीं है, ठीक है। इंक्रीज़ होते होते फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज़ हो जाता है, इस तरह से। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर आपका आ जाता है और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एलिमेंट पर, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स भी दिए गए के एलिमेंट्स के फ्लेम कलर, ब्रिलियम मैग्नीशियम नहीं देते, जबकि कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, बेरियम का और रेडियम का जो है वो रेड फ्लेम दिखाया गया,
ठीक है, तो आप इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। इस टेबल में से ऐसे सच कोई क्वेश्चंस नहीं आते, ना आपने इसको याद करना है, बस जस्ट आपने जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं, आप ये समझ लें कि आप उनका कंक्लूजन जो है उसके अंदर देख सकते हैं, यानी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई जो है ट्रेंड जो है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब ये एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनमें है एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका ट्रेंड ग्रुप में डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो जब हम एटॉमिक रेडियस क्या है, पीछे कई दफ़ा जो है वो आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताई जा चुकी है, पीरियड 3 में भी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में भी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आती होगी। तो बच्चों, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, ये ना सिर्फ सेकेंड ग्रुप के लिए बाकी बल्कि हमारे पीरियोडिक टेबल के तमाम ग्रुप्स के लिए ये ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप हर ग्रुप में, 1A में, 2A में, 3A में, 7A में, 8A में, हर जगह पर जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रिलियम से बेरियम की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब इसके इंक्रीज होने के वही सेम रीजन है बच्चों जो आप ग्रुप 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आप बेशक अपने सामने ग्रुप 2 खोल लें, ग्रुप 2 में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अब है जी रिएक्शंस आपके वाटर के साथ ख़त्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एयर या ऑक्सीजन के साथ। तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो बच्चों नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, मैंने इसकी जनरल इक्वेशन लिखी है, 2+2m+O2 goes to 2MO। यानी ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको बनाने का तरीका क्या है, ये किस तरह बनते हैं, यहाँ पे मेटल जो है सेकेंड ग्रुप के मेटल वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ब्रिलियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इधर बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बेरियम और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आपके, स्ट्रॉन्शियम है, आप उनकी इक्वेशंस भी, मैग्नीशियम की भी बना सकती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें तो आपका जो है वो ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड ग्रुप 2A का बन जाएगा, या फिर ये है कि आप जो इस जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के जो रिस्पेक्टिव कार्बनेट्स हैं, जैसे
मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इनको आप डिकम्पोज करें तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, यानी अपना रिस्पेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से जो है वो आपके पास पर ऑक्साइड भी हैं। आप नॉर्मल ऑक्साइड को, सेकेंड ए ग्रुप के नॉर्मल ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे BaO2 बनाया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के मैंने बेरियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, ये वही नॉर्मल ऑक्साइड बन रहे हैं और फिर बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स जो है वो दिए हैं, एक कैल्शियम की और एक बेरियम की। अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो जो नॉर्मल ऑक्साइड है सेकेंड ए ग्रुप के, ये स्टेबल है और वाइट क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और जबकि ब्रिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये इंसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल हैं और ये सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि आपके पास जो है ये ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड की फॉर्मेशन के बाद आपने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, अब इनमें जो आपके, अगर आप इनको वन बाय वन देखें, इनकी नेचर को देखें, तो आपके पास जो बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जिसमें अब जिस तरह ब्रीलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर आप आगे की तरफ मूव करें, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉलिबिलिटी वाटर के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, और इनके ये जो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो ना सिर्फ वाटर सॉलेबल होते हैं बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। मैंने क्या कहा है, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से ब्रिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ के, मैं उसके बाद बात कर रही हूँ कि जो ब्रिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो दोनों वाटर में इनसॉलेबल है। ठीक है, और जो ब्रिलियम का आपका ऑक्साइड है वो आयोनिक है भी नहीं, वो है भी एम्फोटेरिक। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो आपका आयोनिक या जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है। जिस तरह ब्रिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ा सा बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड और बेसिक है, और जैसे जैसे आप मूव करती जाएंगी डाउन द ग्रुप, बेरियम ऑक्साइड पर आपकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो ब्रिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जबकि डाउन द ग्रुप जो है जो मेटल हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं, जब मेटल हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो जो आयोनिक या बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है और सॉलेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। यानी जो नेक्स्ट आपके कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉलिबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और ये सॉलिबल हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंग बेसिस होते हैं। तो मैंने आपको दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अब बच्चों हम बिहेवियर देख रहे हैं ब्रिलियम ऑक्साइड का, कि एम्फोटेरिक बिहेवियर ब्रिलियम का क्या है। ठीक है, ब्रिलियम का या ब्रिलियम ऑक्साइड का, तो ब्रिलियम भी एम्फोटेरिक है ऑब्वियसली। जब ब्रिलियम एम्फोटेरिक, ब्रिलियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो ऑब्वियसली जो इसका ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक होता है। अब हमने इसकी एम्फोटेरिक नेचर को प्रूव करना है, तो हम सबको पता है कि वो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल बिहेव एज बेस। जैसे आपने इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो इट विल फॉर्म ब्रिलियम क्लोराइड एंड वाटर। इसी तरह से जब आपने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया ब्रिलियम ऑक्साइड को, तो इट विल, ब्रिलियम ऑक्साइड विल एक्ट एज एन एसिड और ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। ये फॉर्म कर रहा है Na2VO2 एंड द कंपाउंड नेम इज सोडियम बेरेलाइट, सोडियम बेरेलाइट। ठीक है जी। तो अगर आ जाता है प्रूव द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम या ब्रिलियम ऑक्साइड, तो आपने इसको इस तरीके से प्रूव करना है। तो ब्रिलियम ऑक्साइड बिल्कुल भी बेसिक इन नेचर नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हल्का सा बेसिक है और बाकी जो आपके ऑक्साइड हैं वो सबके सब बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और आप उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अगर आप उन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो दे विल फॉर्म
अल्कलाइन सॉल्यूशन और अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। जो आपका ब्रिलियम ऑक्साइड है वो हैवी कोवेलेंट, ठीक है, अपने स्मॉलर साइज की वजह से, और हार्डर भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि हम अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रुप 2A है वो कैसे ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो अब हम इनके पर ऑक्साइड कैसे हमें मिल सकते हैं, जो इनके हैवियर मेटल्स हैं उनके हम पर ऑक्साइड्स कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें कैसे मिल सकते हैं। तो उसका तरीका जो है बताया गया है कि जो आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जिस तरह बेरियम ऑक्साइड है वो हायर ऑक्साइड है ना, सॉरी हैवियर मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, या ब्रिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के आप स्ट्रॉन्शियम बेरियम कैल्शियम किसी को भी ले सकती हैं। अगर आप जो हैवियर एलिमेंट्स हैं स्ट्रॉन्शियम बेरियम इनके ऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो आपको पर ऑक्साइड्स मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह BaO2। और पर ऑक्साइड में आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है इट विल बी -1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर BaO2 में बेरियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज है -1। प्रॉपर्टीज क्या है जी इनकी ऑक्साइड इसकी, जो आपके हैवियर मेटल के पर ऑक्साइड हैं ये भी आयनिक होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और इनमें पर ऑक्साइड आयन हो तो ऑब्वियसली ये पर ऑक्साइड है तो इनमें पर ऑक्साइड आयन होगा, नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो उसमें नॉर्मल ऑक्साइड आयन होगा। तो और ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, जिस तरह भी यहाँ पे ये वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्योंकि ये खुद जो है वो आयनिक और बेसिक इन नेचर है, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल एक्ट एज बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, और सॉल्ट के साथ यहाँ वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि ये पर ऑक्साइड है ना, नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, अगर नॉर्मल ऑक्साइड होता तो उसके साथ वाटर आपके पास फॉर्म होता एसिड के साथ, ठीक है, जैसे ब्रिलियम ऑक्साइड के केस में एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बन रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको बताया गया है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द टू एलिमेंट्स और अमंग द टू एटम्स, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली, हम ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी दो एटम्स को या दो एलिमेंट्स को तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये फिर मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से ये है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, सिवाय नोबल गैसेज और हैलोजन्स के, ठीक है, उनके इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होते हैं वो जब हम ग्रुप 7 पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी जितने आपके ग्रुप्स हैं 7वें और 8वें, 7th और 8th को छोड़कर बाकी सब में आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होता है। अब हम चलते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब ये एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनमें है एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका ट्रेंड ग्रुप में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच बेटे, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।